अनुराग डोभाल को घर में करवाया गया वॉक ऑफ शेम, घरवालों ने लगाए थे शर्म करो किनारे। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के 11 हफ्ते में मेकर्स ने शो के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल को मीडिया के इविक्शन के जरिए बाहर कर दिया, जिसके बाद अनुराग डोभाल काफी गुस्से में नजर आए। वही अब शो से बाहर आने के बाद उन्होंने मेकर्स के साथ इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी दर्ज की, जिसकी वजह से उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज के लिए मना कर दिया था। काफी लंबी बातचीत के बाद और एक दिन के बाद देरी करते हुए अनुराग डोभाल ने इविक्शन के बाद मीडिया इंटरव्यूज देने शुरू किए। इस दौरान अनुराग डोभाल ने एक ऐसा खुलासा किया जिन्हें जानकर हर कोई दंग रह गया। बाइकर अनुराग डोभाल ने इस दौरान खुलासा किया कि मेकर्स ने उनके लिए घर में एक टास्क रखा था, जिसमें उन निर्माताओं ने उनसे वॉक ऑफ शेम करवाया था। अनुराग डोभाल ने मीडिया इंटरव्यू में अपने हिस्से की कहानी सुनाते हुए बताया कि जब उन्होंने गुस्से में बिग बॉस के खिलाफ बात की, जिसके लिए उन्हें वीकेंड के वार पर सलमान खान से डांट भी पड़ी थी, तो इस दौरान बाइकर को उनके लिए निर्माता ने वॉक ऑफ शेम का टास्क रखा था, जिसमें उन्हें एक बोर्ड थमा दिया गया था और उस पर शेम शेम लिखा था। उन्हें घर में इस बोर्ड को पकड़ कर चलवाया गया, जबकि बाकी सभी घर वाले उन्हें शेम शेम के नारे लगा रहे थे। अनुराग डोभाल ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये टास्क दिखाया गया है, नहीं शायद ये टास्क नहीं दिखाया गया, मगर इस टास्क ने उन्हें मेंटली तोड़ दिया। अनुराग डोभाल के मुताबिक बिग बॉस के निर्माताओं ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया था। अनुराग डोभाल ने बताया कि उनके खिलाफ बिग बॉस ने पहले ही कह दिया था कि वो 100 सुनार की और एक लोहार की करते हुए दिखाई देंगे। अनुराग डोभाल के मुताबिक बिग बॉस 17 सिर्फ बायस ही नहीं अनफेयर भी रहा। बता दें बीते दिनों मिडवे के इविक्शन में घर के तीन कैप्टन मुनव्वर फारूकी, ईशा मालविया और औरा ने तीन नाम लेने को कहा था। इसमें मुनव्वर ने अनुराग डोभाल, ईशा मालविया ने आयशा खान और औरा ने अभिषेक कुमार का नाम लिया था, जिसके बाद घर वालों ने सबसे ज्यादा वोट अनुराग डोभाल को दिए और उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।